देखिए बट्टा के दो भाग हम बना दिए हैं और तीसरा भाग हम बना रहे हैं। तो तीसरे भाग में नियम 8 है, किसी मेज का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दिया जाए तो 20% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल कठिन नहीं होती है, पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, हम फिर उसमें से देखेंगे कि हमको क्या क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए इसमें क्या दिए हैं, किसी मेज का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, एक है मतलब कि हमें दिए हैं छूट की दर कितना दिए हैं 10%। देने के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य 1080 रुपये है, यानी कहने का मतलब विक्रय मूल्य हमारा कितना है, बराबर है 1080 रुपये। फिर क्या कह रहा है, यदि छूट न दिया जाए तो 20% का लाभ होता है। कहने का मतलब कि जो हम 10% छूट दे रहे हैं हम 1080 रुपये में बेच रहे हैं, अगर यही छूट हम ना दें तो हमें कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का, यानी कि प्रतिशत लाभ दिए हैं बराबर 20%। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य बराबर हुआ तो पहले देखिए इधर, कहने का मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए दो नियम है, एक तो लाभ का क्रय मूल्य निकाला जाता है, एक लाभ यानी हानि का क्रय मूल्य। तो चूंकि इसमें यानी कि लाभ हो रहा है तो इसका मतलब कि हमें लाभ का क्रय मूल्य निकालना है। तो लाभ का क्रय मूल्य बराबर हो सका हम बताए हैं लाभ हानि में, यानी कि लाभ का क्रय मूल्य बराबर 100 × विक्रय मूल्य बटे 100% लाभ। अब देखिए ये वाला विक्रय मूल्य नहीं, क्योंकि इसमें दिया गया है, ये जो विक्रय मूल्य दिया गया है ये 10% छूट देने के बाद का ये विक्रय मूल्य है। मतलब कि पहले ये पता लगाना है कि जब 10% का छूट नहीं दिया गया था तब हमको विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य यानी कि जितना अंकित मूल्य है उस पर उन्होंने 10% का छूट दिया तब 1080 रुपये में बेचा गया। अगर मान लीजिए वही जो अंकित मूल्य है अगर उसी अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता, यानी कहने का मतलब 10% का छूट ना दिया जाता तब यानी कितने परसेंट का लाभ होता, 20% का। तो पहले तो हम पता लगाएंगे कि अंकित मूल्य कितना था। तो चूंकि हम एक सूत्र लिखाए हैं, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होते है अंकित मूल्य × 100 − % छूट बटे 100। ये यानी कहने का मतलब विक्रय मूल्य बराबर होते है अंकित मूल्य × 100 − % छूट बटे 100। अब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमें कितना दिए हैं, 10% छूट देने के बाद हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 1080 है बराबर अंकित मूल्य। अब हमका अंकित मूल्य निकालेगा है, इसको ऐसे उतार लेंगे हम
आई टू, फिर क्या है सौ माइनस प्रतिशत छूट कितना दिए हैं दस बटे सौ। अभी भैया एक हजार अस्सी बराबर अंकित मूल्य आई टू, अब यानी कि सौ में से दस घटा दीजिए नब्बे बटे सौ, अब जीरो से जीरो कट गया, अब ये होगा नब्बे बटे सौ, जीरो से जीरो कट गया, अब ये मतलब यानी कि ये हो जाएगा कितना नौ बटे दस, तो एक हजार अस्सी बटे, जब ये नौ बटे दस को इधर लाएंगे हम नीचे वाला भाग जो है इधर ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला भाग नीचे हो जाएगा। अब बराबर कितना होगा अंकित मूल्य, ये होगा अंकित मूल्य, अब इसको हम काटेंगे, अब हो जाए एक मूल्य बारह सौ रुपए था तब हम 10% का हमने छूट दिया तो मेज का विक्रय मूल्य क्या हुआ एक हजार अस्सी रुपए। अगर मान लीजिए अगर हम जो अंकित मूल्य है अगर इस पर हम छूट ना दें तो हमें 20% का लाभ होता है, इसका मतलब कि अगर हम इस ये जो अंकित मूल्य हमारा है अगर हम छूट नहीं देंगे तो इसका मतलब यही अंकित मूल्य हमारा जो है यही विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यानी कि अब यहां लिखेंगे हम क्या लिखेंगे छूट ना देने पर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब हम अंकित मूल्य पर ही बेचें छूट ना दें तब यानी हमें 20% का लाभ होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अंकित मूल्य है वही हमारा विक्रय मूल्य है, यानी कि अब हम लाभ का क्रय मूल्य निकाल लेंगे 100 × विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य यानी वही हमारा अंकित मूल्य है, यानी कि अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर कितना है 1200 रुपए, तो यह जे 1200 बटे 100 धन प्रतिशत लाभ कितना है 20, यहां 20 लिख देंगे, यह जे 100 इंटू 1200 बटे 100 और 20 120, इसको काटेंगे हम तो 100 इंटू 1200 बटे 120, जीरो से जीरो 100 दाम 1000 यानी कि 1000 रुपए। इसका मतलब अगर हम अंकित मूल्य पर ही बेचें तो हमें 20% का लाभ होता है, तो हमें मेज का क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि मेज कितने रुपए में खरीदी गई थी, तो मेज को हमने 1000 रुपए में खरीदा। देखिए अगर मान लीजिए कहीं अगर उस सवाल में दिक्कत रही हो तो इस सवाल को हम फिर से हम बता देते हैं इस नियम के, किसी मेज का अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद मान लीजिए जो अंकित मूल्य जितना है उस पर पहले 15% छूट दिया जाता है, तो छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य अठारह हजार 700 रुपए है, और यदि छूट न दिया जाए तो 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक चीज तो नोट कर लीजिए, पहली बात तो इतना जान लीजिए, दिमाग रख लीजिए, अगर मान लीजिए जिसे अंकित मूल्य पर अगर हम छूट न दें तो इसका मतलब कि वही अंकित मूल्य जो है वही हमारा विक्रय मूल्य होगा। भाई अगर हम जिसे अंकित मूल्य को मतलब क्या हुआ, जिसे हम एक किताब पे अंकित मूल्य लिखा है 150 रुपए, अगर हम छूट ना दें तो वही हमारा यदि 150 रुपए बेचेंगे तो वही हमारा विक्रय मूल्य होगा,
तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा विक्रय मूल्य दिया गया है ये छूट देने के बाद दिया गया है, लेकिन कह रहा है यदि छूट ना दिया जाए तो हमें 10% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखिए सवाल कठिन नहीं होगी, पहले सवाल को हम पढ़ेंगे, हम उसमें से जो जो दिए हैं जिसे 15% की छूट, एक है मतलब कि हमें प्रतिशत छूट कितना दिए हैं, बराबर 15%, और क्या दिए हैं, विक्रय मूल्य 18,700 रुपए है, एक है मतलब कि हमका विक्रय मूल्य दिए हैं, विक्रय मूल्य बराबर 18,700 रुपए दिए हैं। फिर क्या दिए हैं, यदि छूट ना दिया जाए तो 10% का लाभ होता है, यानी कि हमें प्रतिशत लाभ दिए हैं, और प्रतिशत लाभ कितना दिए हैं, 10%। तो हमें क्या निकालना है, देखिए तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब क्रय मूल्य हमें निकालना है। अब क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, वो भी क्रय मूल्य निकालेंगे लाभ पे, अगर लाभ होता है तो लाभ का क्रय मूल्य और हानि होता है तो हानि का क्रय मूल्य। तो अब हमें क्रय मूल्य निकालना है और वो भी लाभ पे, तो चूंकि हम जानते हैं जो हमें निकालना है पहले उसका सूत्र लिखेंगे। भाई मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य के मतलब वो मेज कितने रुपए की मतलब खरीदी गई थी, खरीदने वाले मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं, ये पता लगाना है कि वो उस मेज को कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो इसका मतलब यानी कि लाभ का क्रय मूल्य, तो लाभ का क्रय मूल्य बराबर का हो जाए, यानी कि 100 × विक्रय मूल्य बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। याद रखिए लाभ का विक्रय मूल्य, लाभ का क्रय मूल्य बराबर 100 × विक्रय मूल्य बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। ऐसी गलती ना करिएगा कि ये विक्रय मूल्य दिया गया है, प्रतिशत लाभ दिया गया है, ये जो विक्रय मूल्य दिया गया है ये 15% का छूट देने के बाद का विक्रय मूल्य है। तो ये अगर 15% का छूट ना दिया जाए तब यानी 10% का लाभ होता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, अंकित मूल्य पर, एक है मतलब पहले अंकित मूल्य को हम पता लगाएंगे कि मतलब जब 15% का छूट देने के बाद जब ये 18,700 बेचने तब अंकित मूल्य कितना था, वही पता लगाना है कि उस पर जो मतलब जैसे मान लीजिए मेज है तो मेज के मतलब अंकित मूल्य क्या था, वही हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो इसका मतलब पहले हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर का होगा, अब वही हम बता रहे हैं पहले, यानी कि अंकित मूल्य × 100 - प्रतिशत छूट बटे 100, यही है। अब देखिए ये विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, 18,700 रुपए बराबर अंकित मूल्य। अब हमका अंकित मूल्य निकालने का है, अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 लिखा, माइनस है माइनस लिखा, प्रतिशत छूट है 15 बटे 100। अब देखिए ये 18,700 बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू, अब 100 में से 15 घटा दीजिए यानी कि 85/100। अब इसको अगर हम काटेंगे 85/100 का तो 5 करना 5 और 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10 यानी 17/20। तो ये हो जाए 18,700 बराबर अंकित मूल्य इंटू 17/20। अब ये 18,700 बटे जो नेगेटिव ऊपर है ये नीचे हो जाए और जो नीचे है ये ऊपर हो जाए, ये बराबर कितने हो जाए, अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य हो गया। अब इसको काटेंगे हम,
अब इसको जब काटेंगे तो 18,700 इंटू 20 बटे 17 ये यानी 17 अब 0 3 0 अब 2 7 14 हासिल 1 2 8 16 17 हासिल 1 2 9 2 3 अब इसको हम 17 से भाग दे देंगे तो 17 से भाग देंगे 17 2 34 3 फिर 17 2 34 यानी कि 22,000 कितना आ गई। अभी जो ये अंकित मूल्य बराबर 22,000 रुपए। यानी कहने का मतलब उस मेज का अंकित मूल्य कितना था 2200 रुपए था। तो 2200 रुपए पर जब उन्होंने 15% का छूट दिया था तब विक्रय मूल्य 18,700 रुपए था। अगर मान लीजिए इस पर छूट न दिया जाए ठीक अंकित मूल्य पर जो अंकित मूल्य है अब इस पर छूट नहीं दिया जा रहा है इसका मतलब यही हमारा विक्रय मूल्य होगा। लिखेंगे हम छूट यदि छूट ना दिया जाए तो वही अंकित मूल्य ही हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगी अब विक्रय मूल्य बराबर हो जाए 2200 रुपए। अब हमें विक्रय मूल्य 2200 रुपए अगर हम वही जो अंकित मूल्य हमारा 2200 रुपए इसका मतलब कि यही इतने का अगर हम खरीदे हुई अब 2200 का अगर हम बेचे तो हमें यानी कि अंकित मूल्य है और इतने में यानी कि हम मतलब कि 10% का छूट और यानी लाभ होता है कब जब हम इतने में हम बेचते हैं तो इसका मतलब हम कितने रुपए में हमने खरीदा था यही पता लगाना है। बराबर 100 इंटू विक्रय मूल्य अब विक्रय मूल्य हमारा है 2200 बटे 100 धन प्रतिशत लाभ कितना है 10 ये 100 इंटू 2200 बटे 110 अब ये काटिए तो 100 इंटू 2200 बटे 110 जीरो से जीरो कट गया 11 दूनी 22 जीरो 2000 बराबर कितना हो गया 2000 रुपए। यानी कहने का मतलब जैसे विक्रय मूल्य अगर 2200 रुपए है और लाभ कितना है 10% तो यानी कि हम कितने रुपए में हमने मेज खरीदा था यही पता लगाना है तो 2200 रुपए होगा। देखिए नियम नौ में क्या है देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है इसको 660 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हम कहते हैं सवाल नहीं आते हैं लेकिन कम से कम हिंदी तो पढ़ेंगे हम पहले जो लिखा गया इसको हम पहले पढ़ेंगे हम इसमें देखेंगे कि हमको क्या क्या दिया गया है। जैसे हमने देखा इसमें किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है इसका मतलब हमें क्या दिए हैं छूट की दर यानी छूट की दर दी है 25%। इसको 660 रुपए में बेचने पर यानी कि अब हमें दिए विक्रय मूल्य बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं 660 रुपए दिए हैं फिर क्या दिए हैं 10% का लाभ होता है यानी हमें प्रतिशत लाभ दिए हैं तो प्रतिशत लाभ दिए हैं कितना 10% तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए
यानी हमका अंकित मूल्य निकाले का है। पहले देखिए इधर, यानी कहने का मतलब कि इसमें क्या है, अब इसमें यह नहीं दिए हैं कि 25% छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, यह नहीं कह रहा है। यह कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। जैसे मान लीजिए जहां जाता है, जिससे वो यानी सामान लेता है, उस सामान पर जितना अंकित मूल्य उस पर लिखा गया है, तो 25% छूट लेकर के वो सामान लेता है, तो यानी कि ये छूट है। अब विक्रय मूल्य 660 रुपये, यानी जब वो 660 रुपये जब बेचता है तो 10% का लाभ होता है। पहले ये देखा कि वो वस्तु कितने रुपए की खरीदी गई थी, यानी जब हमका विक्रय मूल्य दे रहा है, प्रतिशत लाभ दे रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लाभ का क्रय मूल्य, तो लाभ का क्रय मूल्य बराबर का होता है, कई बार बताए 100 × लाभ विक्रय मूल्य बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। अब देखिए, यानी कि 100 × विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य कितना है, 660 रुपए बटे 100 धन लाभ, और लाभ कितना है 10, यानी कि 100 × 660 बटे 100 धन 10, ये 100 × 660 बटे 110, 100 ही और धन 10 ही, 110 सही है, 0 0 कट गया, 11 करना 11 छक्का 100 कितना, ये 600 रुपए। यानी कहने का मतलब जिस वस्तु को 660 रुपए में बेचे थे और 10% का लाभ हुआ था, वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, 600 रुपए में। तो 600 रुपए में कब खरीदी गई थी, जब अंकित मूल्य पर 15% का छूट मिला था तब। तो इसका मतलब मान लीजिए, जिसे माना अंकित मूल्य ₹100, मान लीजिए अंकित मूल्य ₹100 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रय मूल्य कितना हमारा है, कितने में खरीदे थे, जितना अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100। अब देखिए, अब यानी कि अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब क्रय मूल्य दिया गया है और प्रतिशत छूट देना है, तो क्रय मूल्य यानी 15% छूट देने के बाद 600 रुपए में उन्होंने खरीदा था, इसका मतलब 600 रुपए और बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमारे यक्ष लिख दीजिए, इंटू यानी 100 माइनस छूट कितना दिए हैं, 25%, 25 बटे 100, तो अभी हो गए 600 बराबर x इंटू यानी कि 75 बटे 100, हो गए 600 बराबर x इंटू 25 दिया, 25 × 100, इसका मतलब हो गए यानी 600 जो नीचे है ये ऊपर हो गए, और जो ऊपर है ये नीचे हो गए, बराबर x, यानी कि x बराबर हो गए, जब इसको काटेंगे हम 600 इंटू 4 बटे 3, 3 × 3 और 3 × 6 इतना भैया, यानी कि बराबर 800 रुपए, यानी कि हमारा अंकित मूल्य कितना भैया 800 रुपए, अंकित मूल्य बराबर 800 रुपए। अगर किसी को कहीं यह दिक्कत हो कि जैसे हमने यहां क्रय मूल्य लिखा है, अब पहले हम लिखते थे विक्रय मूल्य, यानी कहने का मतलब इसमें लिखा गया है अंकित मूल्य पर 15%, जो अंकित मूल्य है उस पर जो है 15% की छूट देने के बाद यानी वो खरीदता है, एक है मतलब ई बराबर क्रय मूल्य किया, इतने रुपए में खरीदा है उसने। देखिए इसी
टाइप का एक सवाल और हम बताते हैं। देखिए नियम 9 के दूसरी सवाल है, उसी टाइप के सवाल हम बता रहे हैं। देख लीजिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। ये क्या मतलब कि जो अंकित मूल्य है, जितना अंकित मूल्य था उस पर पहले उन्होंने क्या किया, 20% का छूट लिया। छूट लेने के बाद वो सामान लाता है, फिर क्या करता है, उसको 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यानी कि वही सामान ला करके वो 1200 रुपए में बेच देता है, इस प्रकार उसे 20% का लाभ हुआ। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो यह पता लगाइए कि जो 1200 रुपए में सामान खरीदा यानी बेचने पर जो 20% का लाभ हुआ था, कितने रुपए में उन्होंने सामान को खरीदा था। तो पहले देखिए, पहले सवाल पढ़िए, इसमें क्या क्या दिए हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर, यानी कि हमें प्रतिशत छूट दिए हैं, कितना दिए हैं 20%। और क्या दिए हैं, इसको 1200 रुपए में बेचने पर, यानी कि हमको विक्रय मूल्य दिया गया है। तो विक्रय मूल्य कितना दिए हैं 1200 रुपए, बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि प्रतिशत लाभ हमारा कितना है, यह है 20%। तो हमें निकालना क्या, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य बराबर व्हाट। अब देखिए इधर, जब कभी ऐसी सीन आवे कि हमें छूट की दर दिए हो, विक्रय मूल्य दिए हो, प्रतिशत लाभ दिए हो, अंकित मूल्य ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए इधर, अब चूंकि हमें विक्रय मूल्य दिया गया है, प्रतिशत लाभ दिया गया है, तो पहले हम ये देखेंगे कि जो वस्तु हम खरीद कर ले आए हैं, मतलब कितने रुपए में हमने खरीदा था, तो खरीदने वाला दाम हमें निकालना है, तो वो भी लाभ का। तो चूंकि लाभ का क्रय मूल्य, तो लाभ का क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 100 × विक्रय मूल्य बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। अब देखिए यानी बराबर 100 × विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य है 1200 बटे 100 धन प्रतिशत लाभ, यानी कि 20, ये बराबर हो जाए 1000 × 1200 बटे 100 और 20 120, तो 120 से करना 120 10 आ जाए, यानी कि 1000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ, मतलब जिस सामान को इन्होंने 1200 रुपए में बेचा था और 20% का लाभ हुआ, उस सामान को कितने रुपए में खरीदा था, तो 1000 रुपए में खरीदा था। अब यानी कि अंकित मूल्य हमें निकालना है, जैसे इसके पहले वाले सवाल में लगाए थे, तो माना पहले लिखेंगे, माना अंकित मूल्य बराबर लक्ष रुपया, तो यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाए, क्रय मूल्य बराबर यानी कि अंकित मूल्य × 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100। अब देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपए है, 1000 रुपए बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमें निकालना है, तो यक्स इंटू 100 माइनस छूट कितना दिए हैं 20 बटे 100, ये 1000 बराबर यक्स इंटू 100 में से 20 निकाल दीजिए, 80 बटे 100, ये 1000 बराबर यक्स इंटू 20 × 20 = 100, इसका मतलब ये 1000 इंटू जो नीचे है ये ऊपर हो जाए, जो ऊपर है ये व्यक्ति आए तो जो नीचे है ऊपर हो जाए 5, जो ऊपर है इधर आए तो
नीचे हो जाए बराबर यक्स। अब इसको काटेंगे हम, ये हो जाए 1000 आई इंटू 5/4, 4 × 8 = 10, 4×5 = 20, 0। अब हो जाए 25×5 यानी कि यक्स बराबर 125 और 0 बचा हुआ इतना रुपए। तो यह हमारे अंकित मूल्य हो गया। यानी कि अब दो नियम हम इस वीडियो हम बताए हैं, अब फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।